हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी आ रही है। फाइनली एक बड़ा रिप्लेसमेंट पैनल एलपी और टेक्नीशियन कैंडिडेट का जारी कर दिया है आरआरबी रांची के द्वारा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते आरआरबी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ आरआरबी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। और आरआरबी रांची के द्वारा एलपी कैटेगरी नंबर एक और कैटेगरी नंबर दो साथी के अंदर टेक्नीशियन कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया। जब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 जुलाई 2021 आज की तारीख के अंदर ये दो अपडेट जारी किया है। प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट सीएन नंबर 01/2018 एलपी एंड टेक्नीशियन कैंडिडेट का, साथी के अंदर सीएन नंबर 02/2019 का भी जो रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ जो डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुकी है रेलवे भर्ती बोर्ड रांची। और इस पैनल के अंदर जितने भी कैंडिडेट का नाम आया है तो इस पैनल के पेज को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन चर्च कोलकाता के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो साथी के अंदर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के अंदर आगे की प्रोसेस के लिए सेंड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो है द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता वाला जो कैंडिडेट है उनका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलपी कैटेगरी नंबर वन जो इलेक्ट्रिकल वाले उन कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है 31 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम जारी किया गया रिप्लेसमेंट पैनल के अंदर, जिनका रोल नंबर यहाँ पे नाम फादर्स नेम और कितने मार्क्स इनों के आए थे वो यहाँ पे बताए गए। साथ ही के अंदर यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर वाले के लिए जो टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 25 है उसके अंदर दो कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल के अंदर नाम आया है। साथ ही के अंदर कैटेगरी नंबर 34 के अंदर दो कैंडिडेट का नाम आया है। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी नंबर दो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल वाले एलपी कैंडिडेट है कैटेगरी नंबर दो के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है रिप्लेसमेंट पैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी बड़ी अपडेट एलपी और टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए। आशा करता हूँ आपको भी ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस प्रकार न्यू डे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।